थे जी 50-60 जने थे। अच्छा हाँ, किसी की पहचान? पहला 2-3 जने थे, फिर 50-60 जने इकट्ठे हो गए जी। वहाँ जिस टाइम देखे हम तो भाई जी, हाँ बाकी पक्षन जाओ कोई सी नमारे रखे कर लेंगे जी पहचान भी। पुलिस वाले पहले कभी आई कोई? ना जी, कोई रंजिशबाजी होती देख लेंगे जी, बाबा रंजिशबाजी भी। कभी पहले आपका कोई झगड़ा हुआ हो, कोई पैसों का लेन ना? कोई मारा कोई लफड़ा नहीं किसी मारा, ना तो किसी लड़की का मैटर, ना किसी गल्लो मारा कोई लड़ाई झगड़ा। हाँ बाकी या चाह अगले कुछ समझियो बक्सेन जाऊंगे। मोहित वांगड़े कलर माला बोल रहा, बक्सेन जाऊंगे कोई सभी। जब मौके पर पहुंचे तो वहाँ कॉलर मिला, कॉलर से बातचीत करी, कॉलर ने बताया कि दो लड़के इस तरह छुप के यहाँ बैठे हैं और इनके पीछे स्कूल के बच्चे आईटीआई के बच्चे लगे हुए हैं, जिनको हमने मौके पर पूछताछ की, जो ये गोरंडा से बैठे थे दो आदमी और इन्होंने यमुनानगर की बस में बैठ यहाँ मिल गई थी, उसमें बैठ गए। इन्होंने चंडीगढ़ से या करनाल से चंडीगढ़ जाना था, यहाँ बस बदलनी थी इन्होंने, तो बस बदलने के लिए यहाँ उतर रहे थे खिड़की में ही। उन्होंने आपस में कहा सुनी होगी, उसी टाइम मुक्का मारी करी है, ये बच के पीछे से निकल के पैलेस के अंदर घुस गए। पैलेस वाले ने थोड़ी सी आगे अड़ के उनको रोका बच्चों को, और वो पीछे थे जो करीब 1.25 घंटे तक वहीं बच्चे इधर उधर घूमते रहे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के इंद्री रोड पर जो एक बैंकेट हॉल है, वहां पर दो लड़के आ जाते हैं और जो तो आप देख सकते हैं दो लड़कों को फिलहाल पुलिस लेकर जा रही है। घरोंडा के पास के ये गांव के रहने वाले हैं, ये बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, नए बस स्टैंड पर, और उसके बाद वहां पर 50 से 60 लड़के बता रहे हैं जिनके ऊपर जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। और आप देख सकते हैं फिलहाल पुलिस की गाड़ियां ही गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी, और पूरा मामला क्या है एक बार जानने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल आप देख सकते हैं इन दोनों लड़कों को पुलिस लेकर जा रही है, और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है, और आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियां एक के बाद एक प्रीत पैराडाइज जो बैंकेट हॉल है वहां से निकलकर जा रही हैं, और अब पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। आप देख सकते हैं सदर थाने में पुलिस पहुंची है दो लड़कों को लेकर जिनके ऊपर हमला होने वाला था, जो करनाल के नए बस स्टैंड पर पहुंचे थे। कहां से आप आए थे, कहां आपको जाना था भैया? सर गोरंडा से आए थे, गांव कैलरम से जी। तो आगे आगे जाके पंचकुला जाना था जी। हां जी, किस काम से जाना था पंचकुला? शादी थी? हाँ जी, एक घर आ जाना था मामा के जी, रिश्तेदार में जाना था। अच्छा, तो कौन लड़के आए हैं? वो कौन 50-60 लड़के थे जी, पता नहीं जी, हमने कड़े के ना थे। अच्छा, बाकी बक्सिन जाऊंगा जी। तो लाठी डंडा वगैरह? हाँ जी, लाठी डंडे थे जी, चक्कू भी ले रहे थे जी। अच्छा हाँ जी, तो कहीं पर निशान वगैरह भी है, कहीं पे मारा वगैरह भी है आपको? हाँ जी, निशान नहीं लग रहा है। अच्छा, लाठी डंडे मारे हैं आपको? हाँ जी। कितने एक लड़के थे तकरीबन? थे जी 50-60 जने थे। अच्छा हाँ, किसी की पहचान? पहला 2-3 जने थे, फिर 50-60 जने इकट्ठे हो गए जी। वहाँ जिस टाइम देखे हम तो भाई जी, हाँ बाकी बक्सन जाओ कोई सी नमारे रखे पहचान हो गई किसी कर लेंगे जी पहचान भी। पुलिस वाले पहले कभी आई कोई? ना जी, कोई रंजिशबाजी होती देख लेंगे जी, बाबा रंजिशबाजी भी। कभी पहले आपका कोई झगड़ा हुआ हो, कोई पैसों का लेन ना कोई मारा कोई लफड़ा नहीं किसी मारा, ना तो किसी लड़की का मैटर, ना किसी गल्लो मारा कोई लड़ाई झगड़ा। हाँ बाकी या चाह अगले कुछ समझियो, बक्सेन जाऊंगे। मोहित वांगड़े कलर माला बोल रहा, बक्सेन जाऊंगे कोई सभी। तो आप देख सकते हैं दो युवक हैं जिनके ऊपर हमला हुआ है, और ये दोनों युवक घरोंडा के पास के रहने वाले हैं। बता रहे हैं ये कि 40 से 50 युवक इनके ऊपर हमला कर देते हैं बस स्टैंड पर। ये घरोंडा से चले थे और बस स्टैंड पहुंचते हैं करनाल के नए बस स्टैंड पर। वहां पर पहले 3 से 4 युवक हमला करते हैं, उसके बाद इनके ऊपर हमला होता है। 40 से 50 युवक बता रहे हैं जिनके पास लाठी डंडे चाकू सब थे, और फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। नहीं, टिकट वहीं पे है। नहीं, इसके पास किसी नहीं पता नहीं क्या कुछ पूरा मामला है जनाब। मैंने कहा तेरे को टिकट रखनी है। क्या कुछ पूरा मामला है सर? मामला इस प्रकार से था कि हमारे पास जैसे भी इवेंट मिला, इवेंट मिलते ही हम मौके पर पहुंचे तो वहाँ कॉलर मिला, कॉलर से बातचीत करी, कॉलर ने बताया कि दो लड़के इस तरह छुप के यहाँ बैठे हैं और इनके पीछे स्कूल के बच्चे आईटीआई के बच्चे लगे हुए हैं, जिनको हमने मौके पर पूछताछ की, जो ये गोरंडा से बैठे थे दो आदमी और इन्होंने यमुनानगर की बस में बैठ
यहाँ मिल गई थी उसमें बैठ गए। इन्होंने चंडीगढ़ से या करनाल से चंडीगढ़ जाना था, यहाँ बस बदलनी थी इन्होंने, तो बस बदलने के लिए यहाँ उतर रहे थे खिड़की में ही, उन्होंने आपस में कहा सुनी होगी उसी टाइम मुक्का मारी करी है, ये बच के पीछे से निकल के पैलेस के अंदर घुस गए। पैलेस वाले ने थोड़ी सी आगे अड़के उनको रोका बच्चों को और वो पीछे थे, जो करीब पौने घंटे तक वही बच्चे इधर उधर घूमते रहे। आईटीआई के बच्चे हैं, आईटीआई कॉलेज वगैरह के बच्चे थे, कुछ ड्रेस में थे कुछ बिना ड्रेस के थे। आईटीआई की ड्रेस थी ये क्लियर वो कर पाएंगे जिन्होंने देखे, मैंने नहीं देखे उन बच्चों को, मैंने तो सिर्फ इनको सुरक्षा में ले लिया, सुरक्षा में लेके अब सुरक्षित एमएचसी के हवाले किया। तो मारपिटाई वगैरह भी हुई, इसको एक नाट में मुक्का लगा हुआ है, बेल्ट बुल्ट मारी है इसको, और ये अगर जो चाहेगा तो अपनी कंप्लेंट दे वरना ये अपने घर जाएगा। तो है कहाँ के, घरोंडा के पास के हैं ये, एक घरोंडे का एक गोंदर का, दोनों है। तो पंचकुला जा रहे थे, पंचकुला नहीं चंडीगढ़ जा रहे थे, चंडीगढ़ जा ये नहीं पता हमें आगे क्या था, चंडीगढ़ कह रहे हैं चंडीगढ़ वाली बस में जाना था। तो आपने देखे वो 40-50 युवक वहाँ पर बस स्टैंड के, उस टाइम बच्चे भाग रहे थे इधर उधर, लेकिन हमने इनको सुरक्षा देनी थी, जिधर से कॉलर की आवाज आई हम तो कॉलर के पास पहुँचना था, हम उनके पास पहुंचे, उनसे बातचीत की और काम पूरा किया और सुरक्षित भेजे। तो पूरा मामला क्या है हम आपको एक बार बता देते हैं। घरोंडा से दो युवक बैठते हैं बस के अंदर, यमुनानगर वाली बस में वो बैठते हैं, उन्हें जाना था पंचकुला, वो करनाल आकर बस बदलना चाहते थे, और वो जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी जो है कहा सुनी होती है, किसके साथ कहा सुनी होती है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, कौन है वो युवक जिन्होंने इन दो युवकों पर हमला किया और इन्हें पंचकुला जाना है चंडीगढ़ जाना है, तो ये उतरते हैं और उसी दौरान झगड़ा हो जाता है, 40 से 50 युवक जो हैं हमला कर देते हैं, शुरुआत में 3-4 युवक थे ऐसा इनकी तरफ से बताया जा रहा है, और उसके बाद ये बचते बचाते एक बैंकेट हॉल में चले जाते हैं, बैंकेट हॉल में अपनी जान बचाते हैं, वहाँ से बैंकेट हॉल के जो मालिक हैं वो भी इनकी सुरक्षा करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, और जब पुलिस आती है तो दोनों को PCR में बिठाकर इस गाड़ी में सदर थाने में लेकर आया जाता है। कौन है युवक इस बात की अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि किन्होंने हमला किया, किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, किसी संस्थान के स्टूडेंट हैं, ये पुलिस अभी तफ्तीश करेगी, लेकिन एक युवक के गर्दन के पास कुछ निशान भी हैं, यानी कि उनके साथ मारपिटाई भी की गई है, और करनाल के नए बस स्टैंड से इन्होंने बस बदलनी थी, पंचकुला चंडीगढ़ की तरफ जाना था, घरोंडा के पास से ये चढ़े थे बस में, यमुनानगर वाली बस मिली थी इसलिए ये नए बस स्टैंड पर आकर बस बदलना चाहते थे। फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ तफ्तीश की जाती है पूरे मामले की ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस तरीके से अगर नए बस स्टैंड के आसपास गुंडागर्दी होगी, इस तरीके से जो है शरारती तत्व एक्टिव हो जाएंगे, तो फिर आम व्यक्ति जो वहां से बस पकड़ता है कहीं पर जाता है वो डर के साए में जिएगा, वो एक खौफ में जिएगा कि इस तरीके से हम पर हमला ना हो जाए, इस तरीके से हमारे साथ कोई झगड़ा मोल ना ले ले, एक मन में डर बैठ जाता है, और वो डर मन से निकालना पुलिस की जिम्मेदारी है, सुरक्षा प्रदान करना पुलिस की जिम्मेदारी है, और उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस मामले की तफ्तीश अच्छे से करेगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।